नमस्कार और सक्षम न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का ही नहीं बल्कि कला और कलाकारों का भी खजाना है। कश्मीरी शिल्प, कला और संस्कृति की विश्व भर में अलग ही पहचान है। कश्मीर में हालात सुधरने के बाद जब से कला और कलाकारों को प्रोत्साहन मिलने लगा, तब से लगातार विभिन्न प्रकार की कला प्रदर्शनियों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में श्रीनगर के कश्मीर आर्ट एम्पोरियम में 2 दिवसीय प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें पहली बार हड्डी पर नक्काशी को प्रदर्शित किया गया। हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग द्वारा अपने कारीगर को जाने पहल के तहत आयोजित इस प्रदर्शनी में उत्कृष्ट शिल्प कौशल को देखने के लिए आगंतुकों की भीड़ उमड़ी। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण श्रीनगर के निवासी अजीज उल रहमान की असाधारण कलाकृतियाँ रहीं। रहमान ने जानवरों की हड्डियों से आभूषण तैयार किए, जिसे लोग देखते रह गए। प्रभा साक्षी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं जानवरों की हड्डियों का उपयोग करके विभिन्न वस्तुएं बनाता हूं, जैसे आभूषण, कीचेन, चाकू और सजावटी वस्तुएं। उन्होंने कहा कि इस कला में मेरी रुचि बचपन से ही है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अजीजुल रहमान है। मैं मास्टर्स डिग्री कर रहा हूँ अभी फैकल्टी ऑफ फिशरीज कॉस कश्मीर से। तो मेरा जो काम है, जैसे ये बोन कार्विंग का काम है, मैं डिफरेंट वेस्ट मटेरियल जमा करता हूँ, जैसे कि हड्डियाँ एंड और इनकी डिफरेंट चीज़ें बनाता हूँ, जैसे कि बोन कैंडल्स है, बोन ऑर्नामेंट्स है, रियल स्कल्स है, इन पे पेपर माशी नकाशी करके ऊपर से, और बोन एयरिंग्स, नेकलेसेस, बोन की होल्डर्स है, एयरिंग स्टैंड है, और डिफरेंट चीज़ें बनाता हूँ इन बोन से। तो आपको मन में कैसे आ गया कि मैं डिफरेंट आर्ट फॉर्म में अपना काम करूँ? एक्चुअली सर, जब कोविड हुआ तो बैठे रहते थे घर पे, फ्री टाइम भी बहुत था, तो दिमाग में आते ये क्रिएटिव ख्याल आ, तो बना दिया ये सब। सर, कश्मीर में ये थोड़ा सा नया ही है, तो लोग बहुत मतलब फैसिनेट होते हैं इस चीज़ से, काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, और बाहर इसका मार्केट बहुत है, इंटरनेशनल मार्केट इसका बहुत है, क्योंकि इसके शौकीन बहुत लोग हैं। सर, अभी तक जो ये एग्जीबिशन हुआ, ये डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम महमूद साहब ने किया था, उनने इनवाइट भेजा, उनने एक्चुअली मेरा एग्जीबिशन देखा था स्कॉच कश्मीर में, तो उनने इनवाइट भेजा मुझे कि आप यहाँ पे डिस्प्ले करो, बिकॉज वी नीड आवर बडिंग आर्टिस्ट, ताकि उनको मतलब मौका एक मिले टू एग्जिबिट देयर वर्क, क्योंकि हम अपना फ्यूचर है अपने मुल्क का, अपने स्टेट का। मैं शबीर अहमद भट्ट हूँ, मैं यहाँ शायर खास से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, और जो ये अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी जाती है इनको, आर्टिजन्स को, जो आर्टिस्ट जो यहाँ पर रेनाउंडेड आर्ट है, और जो यहाँ पर आर्ट जो ख़त्म हो गए थे, उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स इसके लिए मुंतखब किया गया है, तो वो उनको ढूंढ ढूंढ के निकालता है और देखता है कि इस आर्ट जो यहाँ पर हुनरमंदी है, इनको कैसे एक स्टेज मंजर आम पे लाया जाए, ताकि लोग इसके मुतालिक अवेयर हो जाए, लोग इसमें इसकी तरफ तवज्जो दें, इसकी तरफ माइल हो जाए, ताकि वो भी इस आर्ट को अपनाएं, कोई भी आर्ट हो, मगर आज तक जो आर्ट यहाँ पर जो एग्जीबिशन्स हुए हैं, ये भी एक ऐसा आर्ट है जिसको किसी ने, मुझे नहीं लगता है कि कोई इसको अपनाता था, ऑपरेट करता था अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी में अपना सेल्फ, अपना रोज़गार कमाने के लिए। तो मुझे ये प्लेटफार्म बहुत अच्छा लगता है कि जो हैंडीक्राफ्ट्स इनको देता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।